नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं हूं आपका दोस्त कपिल चौबीसा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृष्ण प्रिया गौशाला। जहां तक कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि गौ उत्पाद को सस्ता करना बहुत जरूरी है, उसका मूल्य कम करना। उसके मूल्य को कम करने के लिए उस वीडियो के अंदर हमने बताया था कि उसके रॉ मटेरियल जो गोबर है, गोबर को कम करना है। उसके साथ जो प्रीमिक्स है, उसकी रेट को कम कैसे करें, साथ ही उसके अंदर जो लेबर कॉस्ट है उसे कम कैसे करें। तो ये मुख्य तीन कारण थे। इसके अलावा बहुत सारे और अन्य कारण हैं, जिसके ट्रैवलिंग है, यानी जो उसका कुरियर चार्जेस है, जो मार्जिन है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर खास तौर पे हम उसके प्रीमिक्स के बारे में, रॉ मटेरियल के अंदर जो हम प्रीमिक्स ऐड करते हैं गोबर के अंदर, उस प्रीमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली कि प्रीमिक्स को कैसे सस्ता किया जाए और क्या वास्तव में उस प्रीमिक्स से क्या वो प्रोडक्ट बन पाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमिक्स के बारे में, कि कैसे बनाए और प्रीमिक्स की कॉस्ट को लो कैसे करें। आज इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गौ उत्पाद का कार्य करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे सभी लोग कर रहे हैं। सभी का प्रोडक्ट को बनाने का एक अलग अलग नजरिया है, सबका एक अलग तरीका है, सबके अलग अलग प्रीमिक्स हैं। कोई मैदा लकड़ी को यूज कर रहा है, कोई गवार गम पाउडर को यूज कर रहा है, तो कोई और प्रकार के बाइंडिंग प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो मैं जिस प्रीमिक्स का उपयोग कर रहा हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी, जो कि आसानी से पूरे देश में किसी भी गांव गली मोहल्ले में मिल सकती है, साथ ही सस्ती मिलेगी। आज मुल्तानी मिट्टी अगर आप 30-40 किलो एक साथ में परचेज भी करते हो तो 15 रुपये से के आसपास तो आपको मिल जाएगी। मुझे मिल रही है वो 10 रुपये के जी मिल रही है, कहीं पर 15 रुपये हो सकती है। अब एक साथ में 40 किलो नहीं लाओगे तो भी किराना की दुकान पे आपको 20 रुपए के आसपास में आपको मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। अगर जहाँ पे गोबर पाउडर की मैं बात करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे गोबर जो है गीला गोबर, उसकी रेट है 3 रुपए किलो। अगर आप 6 किलो गोबर खरीदते हो, 1 किलो मुल्तानी मिट्टी खरीदते हो, गोबर को सुखाने और पाउडर फॉर्म में लाने तक और मुल्तानी मिट्टी को कूट के और पीस के पाउडर फॉर्म में लाने तक, इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो एक्चुअल उसका जो खर्चा आता है वो आता है 40 रुपये, लेकिन मैं उसको 50 रुपये का मानता हूँ। आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, मेरे पास 10 रुपये किलो मुल्तानी मिट्टी आती है और 3 रुपये किलो के हिसाब से गोबर आता है, यानी कि 18 रुपये का गोबर आता है और 10 रुपये की मेरे पास में मुल्तानी मिट्टी आती है। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 28 रुपये होता है। बाकी जो भी है सारी लेबर कॉस्ट में जोड़ देता हूँ, उसके कुटाई पिसाई सारा चीज़ जोड़ देता हूँ, तो 40 रुपये का ही खर्चा बनता है। लेकिन मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ, और आप मान सकते हो ना, 1 किलो या इतना नहीं होता, 4-5 किलो गोबर पीसना, लेकिन मैं उसको और ज़्यादा मान लेता हूँ, 50 रुपये का मान लेता हूँ। तो 50 किलो मुझे रेडी प्रीमिक्स मिलता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इतना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि जहाँ पे अपन 200 रुपये के जी प्रीमिक्स को परचेज करते हैं, उसका कुरियर चार्ज अलग से देते हैं। आपको प्रीमिक्स किसी से भी ऑर्डर नहीं कराना, मेरे से भी ऑर्डर नहीं कराना, प्रीमिक्स खुद से बनाना है। क्योंकि प्रीमिक्स अगर मैं 50 रुपये किलो भी आपको रेडी दे दूंगा तो आपको प्रीमिक्स को मंगवाने का चार्जेस अलग लग जाएगा, यानी कि 50 रुपये का प्रीमिक्स आपको 100 रुपये में पड़ेगा। ऐसा काम करना ही नहीं, प्रीमिक्स अपने खुद ही वहाँ बनाए। मैंने मेरी वीडियो में हर बार मैं आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐसी जगह रहे जहाँ से आपको गोबर खरीदना एकदम पास है। अगर आपके पास गोमाता नहीं है, बस ऐसी कोई गौशाला वगैरह हो उसके पास है, तो आप गोबर से लेके सीधा, मतलब ज्यादा लेबर कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अब गाँव में मुल्तानी मिट्टी आपको आराम से मिल जाएगी, तो जो बनाने का तरीका वो भी ऐसी जगह होना चाहिए कि आपको लेबर कॉस्ट कम लगे, आपको प्रीमिक्स आराम से बन जाए, खुद का घर पे बन जाए। प्रीमिक्स को ऑर्डर कराओगे, पूरे चार्ज प्रीमिक्स को भी बढ़ा रहे हो। बस प्रीमिक्स, मैं जो प्रीमिक्स यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरा प्रीमिक्स, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी नहीं उसके अंदर, वो हमारे घर के लोग ही बनाते हैं, तो एवरेज मुझे 35-40 रुपये के आसपास में पड़ती है, और कम पड़ता है। लेकिन आपको एवरेज बता दूँ कि 40 रुपये आप खरीदोगे कि 50 रुपये की पड़ सकती है। तो आप 50 रुपये का जो प्रीमिक्स है उसके अंदर कितना प्रोडक्शन होगा, कि 50 रुपये प्रीमिक्स से उसके अंदर का जो प्रोडक्ट बनाओगे लेबर ऐड करके आपको कितना मार्जिन बनेगा, उसके लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही बात करें कि आपको प्रीमिक्स की कॉस्ट को लो करना है और प्रीमिक्स वही काम में लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रीमिक्स को काम में ले रहा हूं, आपको जहां से भी मिले, जो भी प्रीमिक्स मिले, अपने अकॉर्डिंग आपको प्रीमिक्स बनाना है। बिल्कुल कोशिश है करनी कि प्रीमिक्स की रेट कम से कम, आप सोचोगे कि क्या मुल्तानी मिट्टी सिर्फ गोबर में ऐड करने से उस प्रकार का प्रीमिक्स बन पाएगा, क्या उस प्रकार की मजबूती आ पाएगी, क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
उसमें भी आपको समझाऊंगा किस प्रकार से बनता है, कितनी मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है और मुल्तानी मिट्टी ऐड करके कितने टाइम के लिए रखनी है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो एक छोटी सी बात आपको बता दो कि 2 किलो रेडी प्रीमिक्स यानी कि 1 किलो गोबर, उसके अंदर 800 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, भले 200 ग्राम आप पाउडर और डाल दो और 1 किलो डाल दो, अच्छी बात है। मैं 1 किलो मुल्तानी मिट्टी के अंदर कभी कभी 1 किलो गोबर डाल देता हूँ, कभी 1.25 किलो भी डाल देता हूँ, वो अलग अलग प्रोडक्ट के बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। आगे मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कितना ऐड करना है क्या करना है, लेकिन मेरे पास में जो 2 किलो प्रीमिक्स है हो जाएगा, 1 किलो गोबर पाउडर हो गया और 1 किलो मुल्तानी मिट्टी, दोनों को मिला के 2 किलो हो गया, कितना हो गया। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप किसी के बताए हुए प्रीमिक्स को परचेज न करें, अपने एरिए के अंदर आपके आसपास में जो भी प्राकृतिक गोंद हो उसे काम में लें और प्रीमिक्स को सस्ता बनाएं। जिस प्रकार से मैं 2 kg प्रीमिक्स को 40 रुपये में रेडी कर रहा हूँ, यानी कि 20 रुपये किलो मुझे रेडी प्रीमिक्स प्राप्त हो रहा है, वैसे आप भी ट्राई करें। अगर आपको कोई समस्या आती है आज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ से बिल्कुल जवाब दूंगा। साथ ही आप गोबर या प्रीमिक्स को बाहर से परचेज ना करें, आप अपने एरिए के आसपास में ऐसी जगह मैन्युफैक्चरिंग करें जहां से आपको सभी चीजें आसानी से प्राप्त हो जाए, आपको लेबर कॉस्ट कम लगे। तो मैं प्रीमिक्स के लिए मुल्तानी मिट्टी को काम में लेता हूं, साथ ही इसके द्वारा जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो भी एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल से दिखाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ कलर आए और कलर बाहर से नहीं करना चाह रहे, आप गेरुआ मिट्टी डाल सकते हैं। गेरुआ मिट्टी आती है कलर के लिए, आप सभी जानते होंगे। और गेरुआ मिट्टी को यानी कि अगर 800 ग्राम आप मुल्तानी मिट्टी डाल दो, उस जगह क्या करो 200 ग्राम गेरुआ मिट्टी डाल दो, तो आपके 1 kg दोनों हो जाएंगे, 2 किलो के अंदर आपका काम हो जाएगा। 200 ग्राम से वो अच्छा सारा कलर बना देगा, जैसे जैसे पानी डालोगे एकदम से अच्छा कलर बनेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जिस किसी भी भाई को अगर मेरे किस विचार से किसी को तकलीफ पहुंची है मेरे किसी शब्द से, तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, उसे लगा होगा कि मेरी जानकारी दी गई जानकारी अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना पूरे भारत के अंदर सभी युवा भाइयों के साथ में, इस वीडियो को शेयर करना, और मुझे खुशी होगी ताकि सभी भाई इस तरह से कार्य करें। तो सभी से निवेदन है कि अच्छा कार्य करें, गोदपाद से जुड़ा कार्य करें, गोदपाद की शेल को ज्यादा दें, गोमाताओं की सेवा करें। ऐसा कुछ नहीं कि आप गोमाताओं की सेवा करें, आप या मैं, अगर मैं आज वीडियो बना के आपकी शायद शेयर कर रहा हूँ तो हो सकता है उसमें भी मुझे कुछ लाभ हो, लेकिन वीडियो देखकर आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको भी लाभ होगा। गोमाताओं की भी अच्छी से सेवा कर रहा हूँ, साथ ही गो उत्पाद बना रहा हूँ, तो ये सारी चीजें एक अच्छे भाव के साथ बनी रहे। और आप सबसे निवेदन है कि मैक्सिमम गोबर के प्रोडक्ट बनाएं, कम रेट पे बनाएं, कम मार्जिन में बेचें, गो उत्पाद को बढ़ावा दें, देश का भला होगा, आपका भला होगा, सबका कल्याण होगा। हर हर महादेव। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं आपको कल एक और नए वीडियो के साथ में। प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा मुझे।